सो हे व्हाट्स अप गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। दिस इज शिवम, दिस इज नेहा, और आप सबके लिए लेके आ गया बहुत कमाल की वीडियो हमारे लिए। मछली और हजरत यूनिस का वाकया। सो हमारे लिए भी ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, और मतलब रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो की। तो बहुत कमाल की वीडियोस आप सजेस्ट कर रहे हो, लिंक भेज रहे हो इंस्टाग्राम पे। सो जैसे ही आपको बहुत बार कह चुका हूँ पहले भी वीडियोस में कि इंस्टाग्राम पे लिंक भी भेज दिया करो, साथ में टॉपिक भी लिख दिया करो। कि कई बार ऐसा होता है कि हम लिंक पे क्लिक नहीं करते तो हमारे टॉपिक पढ़ लेते, टॉपिक दिमाग में रहता है, क्योंकि लिंक अगर 1000 आएंगे तो लिंक को देख के ऐसे मुश्किल सा रहेगा ना। टॉपिक साथ में लिखा होगा तो याद रहेगा कि टॉपिक ये था, ये था। आज का टॉपिक है हजरत यूनस, जो कि एक नबी थे, प्रोफेट थे ना। को मछली ने क्यों निगल लिया था, क्या थी असली वजह, मछली के पेट में जिंदा कैसे रहे। सही बात है ना, मछली के पेट में कैसे जिंदा रहे अगर निगल गए होंगे। सो कौन सी मछली थी, क्या था उसका, जो भी है वो वीडियो में देखते हैं। और इसने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लो आप भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट सब्सक्राइब करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सो करें प्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आज की, और हाँ ऐसी वीडियोस और भी ज्यादा होंगी पड़ी हुई कि ऐसे रिलेटेड वाक्या हो, मतलब है ना, ऐसे वाक्या हो और भी ज्यादा हुए होंगे हर एक प्रोफेट के साथ या जो भी होंगे साहबा वगैरह। सो हमें सजेस्ट करो, हमें बताओ, हमें मजा आता है ऐसे मतलब कहानियां सुनने का या वाक्य जो भी हुए हैं पहले, है ना। सो करे प्ले। वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नबी का वाकया बताने वाले हैं जिनको एक व्हेल मछली ने निगल लिया था, और उस मछली के पेट में आखिर उन्होंने कौन सी ऐसी आयत पढ़ी जिसकी बरकत से वो मछली के पेट में भी सलामत रहे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने शहर नैनवा के बाशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। नैनवा ये मौसूल के इलाके का एक बड़ा शहर था। यहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे और कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर इन लोगों ने अपनी सरकशी और तकब्बुर की वजह से अल्लाह के रसूल को झुठला दिया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबर दी कि तुम लोगों पर अनकरीब अजाब आने वाला है। ये सुनकर शहर के लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है, इसलिए ये देखो कि अगर वो रात को इस शहर में रहें जब तो समझ लो कि कोई खतरा नहीं है, और अगर उन्होंने इस शहर में रात न गुजारी तो यकीन कर लेना चाहिए कि जरूर अजाब आएगा। जब रात हुई तो लोगों ने रात को ये देखा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ ले गए, और वाकई सुबह होते ही अजाब के आसार नजर आने लगे के चारों तरफ से काली बदलियां नमूदार हुईं और हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया। ये मंजर देखकर शहर के बाशिंदों को यकीन हो गया कि अजाब आने वाला ही है। तो लोगों को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश और जुस्तजू हुई, मगर वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। अब शहर वालों को और ज्यादा खतरा और अंदेशा हो गया। चुनाचे शहर के तमाम लोग अल्लाह के खौफ से डर कर कांप उठे, और सबके सब औरतों, बच्चों, बल्कि अपने मवेशियों को साथ लेकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल में निकल गए, और रो रो कर सच्चे दिल से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार और ऐलान करने लगे। शोहर बीवी से और माए बच्चों से अलग होकर सबके सब इस्तगफार में मशगूल हो गए और अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा कर दुआएं करने लगे। जो जुल्म आपस में हुए थे एक दूसरे से माफ कराने लगे, और उन लोगों ने जितनी भी एक दूसरे की हक तलफियां की थी सबकी आपस में माफी तलाफी करने लगे। मतलब सच्ची तोबा करके अल्लाह पाक से ये अहद कर लिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कुछ अल्लाह का पैगाम लाए हैं हम उस पर सच्चे दिल से ईमान लाए। अल्लाह ताला को शहर वालों की बेबसी और बेकरारी पर रहम आ गया, और अल्लाह पाक ने अपना भेजा हुआ अजाब उठा लिया। अचानक धुआं गायब हुआ और अजाब की बदलियां रफा हो गईं, और तमाम लोग फिर से शहर में आकर अमन चैन के साथ रहने लगे। दोस्तों, इस वाकये का जिक्र करते हुए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाया है, तो हुई होती ना कोई बस्ती के ईमान लाती तो उसका ईमान काम आता। हाँ, यूनुस की कौम जब ईमान लाए हमने उनसे रुसवाई का अजाब दुनिया की जिंदगी में हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें बरतने दिया। सूरह यूनुस आयत 98। नाज़रीन-ए-इकराम, मतलब ये है कि जब किसी कौम पर अजाब आ जाता है
तो अजाब आ जाने के बाद ईमान लाना फायदा नहीं देता। मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब की बदलियां आ जाने के बाद भी जब वो लोग ईमान लाए तो उनसे अजाब उठा लिया गया। दोस्तों, अजाब टल जाने के बाद जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने शहर में अजाब का कोई आसार नहीं देखा। लोगों ने अर्ज किया कि आप अपनी कौम में तशरीफ ले जाइए, तो आपने फरमाया कि किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूँ, मैं तो उन लोगों को अजाब की खबर देकर शहर से निकल गया था, मगर अजाब आया ही नहीं, तो अब वो लोग मुझे झूठा समझकर कत्ल कर देंगे। आप अलैहिस्सलाम ये फरमाकर और गुस्से में भरकर शहर से पलट आए और एक कश्ती में सवार हो गए। ये कश्ती जब बीच समंदर में पहुंची तो खड़ी हो गई। वहाँ के लोगों का ये अकीदा था कि वही कश्ती समंदर में खड़ी हो जाया करती थी जिस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है। चुनाचे कश्ती वालों ने कुरा निकाला तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कुरे में निकला, तो कश्ती वालों ने आपको समुन्दर में फेंक दिया और कश्ती लेकर रवाना हो गए। और फौरन ही एक बड़ी सी मछली आकर आप अलैहिस्सलाम को निगल गई। मछली के पेट में जहाँ बिल्कुल अंधेरा था, आप वहाँ पर जाकर कैद हो गए। मगर इसी हालत में आप अलैहिस्सलाम ने आयते करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना शुरू कर दिया। इन अल्फाज की बरकत से अल्लाह पाक ने आपको इस अंधेरी कोठरी से निजात दी और उस मछली ने किनारे पर आकर आपको उगल दिया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम बहुत ही कमजोर हो गए थे। अल्लाह की शान कि उस जगह कद्दू की एक बेल उग गई और आप उसके साए में आराम करते रहे। फिर जब आप में कुछ ताकत आई तो आप अपनी कौम में तशरीफ लाए और सब लोग इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ आपसे मिले। उसके बाद वो सब लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दर्दनाक सरगुज़िश्त को कुरान करीम ने इन अल्फाजों में बयान फरमाया है, और बेशक यूनुस पैगम्बरों से है, जबकि भरी कश्ती की तरफ निकल गया तो कुरा डाला तो धकेले हुओं में हुआ, फिर उसे मछली ने निगल लिया और वो अपने आप को मलामत करता था, तो अगर वो तस्बीह करने वाला ना होता जरूर उसके पेट में रहता जिस दिन तक लोग उठाए जाएंगे। फिर हमने उसे मैदान में डाल दिया और वो बीमार था, और हमने उस पर कद्दू का पेड़ उगाया और हमने उसे लाख आदमियों की तरफ भेजा, बल्कि ज्यादा, तो वो ईमान ले आए तो हमने उन्हें एक वक्त तक बरतने दिया। नाज़रीन इकराम, नैनवा वालों के इस वाक़े से हमको ये सबक मिलता है कि जब किसी कौम पर कोई बला असाब बनकर नाजिल हो तो उस बला से निजात पाने का यही तरीका है, तो लोगों को तोबा और इस्तग़फ़ार में मशगूल होकर दुआएं मांगनी चाहिए। तो उम्मीद है कि बंदों की बेकरारी और उनकी गिरिया और जारी पर नहायत रहीम और करीम अल्लाह पाक को तरस आ जाए और वो अपने भेजे हुए अजाब को दफा फरमा दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दिल हिला देने वाली मुसीबत और मुश्किलात से ये हिदायत मिलती है कि अल्लाह पाक अपने खास बंदों को किस किस तरह इम्तिहान में डालता है, लेकिन जब बंदे इम्तिहान में पढ़कर सब्र व इस्तकामत का दामन नहीं छोड़ते और ऐन बलाओं के तूफान में भी अल्लाह पाक की याद से गाफिल नहीं होते, तो करीम अल्लाह अपने बंदों की निजात का गैब से ऐसा इंतजाम फरमा देता है कि कोई इसको सोच भी नहीं सकता। नाज़रीन इकराम, जरा गौर कीजिए कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब कश्ती वालों ने समुन्दर में फेंक दिया तो इनकी जिंदगी और सलामती का कौन सा जरिया बाकी रह गया था? उसके बाद उन्हें मछली ने निगल लिया तो अब भला कौन सा सहारा रह गया था? मगर इस हालत में आप अलैहिस्सलाम ने जब आयते करीमा का वजीफा शुरू कर दिया तो अल्लाह पाक ने उन्हें मछली के पेट में भी जिंदा और सलामत रखा और मछली के पेट से इन्हें एक मैदान में पहुँचा दिया और फिर इन्हें तंदुरुस्ती और सलामती के साथ इनकी कौम और वतन में पहुंचा दिया और इनकी तबलीग की बदौलत 1 लाख से ज्यादा आदमियों को हिदायत मिल गई। इस खूबसूरत वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं। सो ये थी वीडियो ना हजरत यूसुफ के बारे में, यूनुस के बारे में, कि कैसे उनको मछली लेने के लिए था और मतलब ईमान लाने के लिए कहा था उनको। पहले तो वहाँ की जो भी उम्मत थी है ना, सो वो नहीं माने, तो फिर उसके बाद उनको जो है फेंक दिया गया समुद्र में, फेंक दिया। उसके बाद भेल मछली ने उनको निगल लिया, लेकिन अल्लाह ने उनको मछली के अंदर भी जिंदा रखा। सही बात है ना। और फिर बाहर जाके समुद्र के किनारे फेंका और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, जैसे हमने सुना वीडियो में। फिर वहाँ पे एक कद्दू का पेड़ भी उगाया, ऐसे वो ईमान नहीं ला रहे थे, लेकिन अजर से अजाब आया, डर के उन्होंने ईमान जो है लाना लाना
सही समझा। कभी कभी आई थी अपने टोन में। बाकी आप बताओ, ऐसी और भी ज्यादा वीडियोस होंगी है ना जो हम जी देखना चाहते हैं, आप भी देख चुके होंगे या देखना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताते रहिए, हम रिएक्शन करेंगे। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट होती है, कोई लोग ऐसे भी हैं कि जो हमें कहते हैं कि आप वीडियो नहीं कर रहे, कब से कह रहा हूँ कब से कह रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा है। पहले तो अभी तक मैं ये कहता हूँ, ये लिस्ट जो एक बार बनाई अभी तक यही नहीं खत्म हुई, तो दूसरी तो कहीं से करेंगे ना, आपको पहले भी दिखा चुका हूँ मैं ये लिस्ट, तो अब इसकी बहुत ज्यादा वीडियोज पड़ी हुई है, तो करेंगे हम धीरे धीरे, टेंशन ना लो। जैसे आपको बताया वो बताते जो वीडियोस और लिंक। वीडियोस और लिंक, नाम और टाइटल हो रहा है ना। तो बाकी फिलहाल इस वीडियो में, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट बाय वीडियो में। बाय।